मेरे किसान भाइयों, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का मैं किसान भाइयों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी विजिट है ट्रैक्टरों की मंडी माधवपुर दहगवा में। यह मंडी बृहस्पतिवार को लगती है। इस मंडी में दूर दूर से हमारे किसान भाई अपने पुराने ट्रैक्टरों को लेकर बेचने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ किसान भाई अपने ट्रैक्टर खरीदने के लिए इस मंडी में आते हैं। बहुत ही शानदार ट्रैक्टरों की मंडी लगती है मुरादाबाद, बदायूं और जो है इधर तमाम पूरे प्रदेश भर से हमारे यूपी से मतलब किसान भाई अपने ट्रैक्टरों को लेने के लिए बेचने के लिए यहाँ आते हैं। आज हमारे साथ हैं जो इस मंडी का संचालन करते हैं वीरेंद्र शर्मा जी। उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि वो कैसे कैसे इस बाज़ार लगता है, कितने समय से ये बाज़ार लग रहा है, कितनी दूर से ये किसान भाई हमारे आते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम शर्मा जी से लेंगे। शर्मा जी, मैं आपको निरंकार शर्मा नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। ये बताइए, जैसे कि आप ये किसानों की ट्रैक्टरों की मंडी लगवा रहे हैं, इस मंडी में क्या क्या खूबियाँ हैं और कहाँ कहाँ से लोग हमारे इसमें आते हैं और ये क्यों लगवाई जाती है? ये किसानों के फायदा के लिए लगवाई जाती है, क्योंकि किसान इधर उधर भागते हैं जी। इस मंडी में ट्रैक्टर सारे प्रांतों के इकट्ठे हो जाते हैं, सभी कहां देशों कहां से के आते हैं? ये सब चौथरफा अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, संभल है, बदायूं है, बरेली है, पीलीभीत है, साजापुर है जी, ये कासगंज है, सभी प्रांतों से ये ट्रैक्टर आते हैं और यहाँ आकर के बिकते हैं और सभी प्रांतों में जाते हैं यहाँ से। जैसा ये बताइए, कहा जाता है कि ये दहगवा की जो मंडी लगती है ये सस्ती मंडी लगती है, आपकी क्या इसमें राय है? किसान भाई जो क्या हम किसानों से राय लिए हमने तो हमें काफ़ी कम रेटों में ये ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं यहाँ जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। कम रेटों के देख कर किसान ये कम अच्छा। आप जानते ही हैं सारी बात है कि किसानों के प्रॉपर उसी इनकम के हिसाब से ही जी मंडी लगती है और उसी हिसाब से ट्रैक्टर लेते हैं किसान भाई सभी। कौन कौन सी कंपनियों के ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ आते हैं? यहाँ सभी ट्रैक्टर सभी कंपनियों के आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर सभी कंपनी के आते हैं। हाँ, तो जैसे क्या किसान भाई यहाँ आएंगे और किसी कारणवश उन्हें रात हो गई, अपना उन्होंने ट्रैक्टर बेच दिया। हाँ जी। और उनके पास उन्हें रात हो गई है और उन्हें जाना है दूर, मान के चलो उन्हें जो है मुरादाबाद जाना है जी, तो उनकी क्या व्यवस्था होगी? वो हम अपने पास ही रोकते हैं यहीं पर। अच्छा, उन्हें रोकते हो। हाँ। और जैसे किसान ने जो है पैसा तो लाया नहीं ज़्यादा, वो बयाना दे दिया है आपको ट्रैक्टर का, तो वो पैसा क्योंकि साथ लेकर आया आजकल चलता नहीं पैसा, तो कैसे करेगा कि वो बयाना दे दिया उन्हें? और बयाना देने के बाद में हम ट्रैक्टर उनका लिखते हैं जी। लिखने के बाद दोनों पार्टियों के नंबर हमारे पास फोन नंबर होते हैं वो आ जाते हैं, उनके बाद बयाना दिलवा देते हैं, उन्हें दो एक दिन का समय देते हैं, उसी समय पर वो ट्रैक्टर ले जाते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ जो है मंडी जैसे लग रही है ये, तो हमारे किसान भाई आजकल रास्ता भटक जाते हैं, मार्ग की सही जानकारी उन्हें नहीं होती, और जैसे कि हम भी आज इस मंडी में आए हैं इस मंडी को कवर करने के लिए, हमें भी कितने जगह बूझना पड़ा, तो इसकी पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए जिससे कि उन्हें सही रास्ते का ज्ञान हो सके। इसीलिए हमने जगह जगह रोडों पे जी पोस्टर लगवा दिए हैं। अच्छा, मंडी के यहाँ मंडी के यहाँ माधव किसान बाजार दहगवा बदायूं, इस हिसाब से पोस्टर लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं हमारे। जैसे मान के चलो हम मुरादाबाद से चले, तो कौन से रूट पर हम आएंगे? मुरादाबाद से सीधे बबराला रोड पर आएंगे जी, गिन्नौर उतरेंगे और गिन्नौर से 18 किलोमीटर दहगवा आएंगे जी। यदि इधर बरेली साइड से आते हैं जी, तो बदायूं से 63 किलोमीटर दहगवा पड़ता है, तो सीधे दहगवा और रोड पर आते हैं। और जैसे हम ये दिल्ली हाईवे से आते हैं, फिर भी यहीं उतरेंगे आप हाईवे पर दहगवा ही। तो आप ये बताइए, हमारे किसान भाई जैसे आपसे इसकी मंडी की जानकारी लेंगे, किस दिन ये लगती है वैसे मंडी? ये गुरुवार को लगती है, बृहस्पतिवार के लिए। अच्छा, गुरुवार के दिन लगती है। हाँ, हफ्ते में एक बार। अच्छा, और भी दिन कुछ सुना है कि हमें सोमवार में मंडी एक लगती है? एक मंडी और लगती है, वो रोड पर लगती है। उसका संचालन कौन करते हैं? उनका यादव ऋषिपाल सिंह। अच्छा, उसका वो कैसे, वो भी अच्छी लगती है मंडी? वो भी अच्छी लगती है मंडी, उसमें भी दूर दूर से किसान आते हैं। तो ये बताइए, जैसे आप किसान भाइयों पूरे प्रॉब्लम पूरी मंडी ये फेमस है वो। अच्छा, चारों तरफ जैसे किसान भाई यहाँ ट्रैक्टर लेकर आ गया, कुछ ऐसे होंगे ट्रैक्टर जो बगैर नेट पे भी होते हैं, उन्हें आप कैसे कैसे करते हैं? जो ट्रैक्टर नेट पे नहीं भी होते हैं उनके हम कागज़ देखते हैं। अच्छा, यदि कागज़ सही है हाँ, तो अपनी जिम्मेदारी पर लिखते हैं। अगर नेट पे चढ़वाया जा सकता है?
चढ़वाए भी जा सकते हैं और नहीं भी चढ़वाए जा सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कागज देख करके बताते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को आप अपना मोबाइल नंबर क्या उपलब्ध कराएंगे? ना, सारे लोगों पे हमारे मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं और अब भी करा देंगे। बता दीजिए, बता। हाँ, तो मेरा मोबाइल नंबर है 97-59-65-10। दूसरा नंबर है 97-586-31-981। ये दो नंबर हमारे हैं जी। जैसे क्या आजकल यूट्यूब का ज़माना हो गया है, हाँ, और यूट्यूब के माध्यम से लोग वीडियो देखकर ट्रैक्टरों की मंडियों की पड़ताल करते हैं। हाँ, तो वो कॉल पर बात कर लेते। अच्छा, वो आपसे बात कर लेंगे। तो हमारे जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है टेक्निकल तेजस्वी किसान, तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या सजेशन देंगे कि वो अपने ट्रैक्टरों की पड़ताल करें, और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा फ़ोन पर कॉल करके बात करते हैं तो हम उन लोगों को बता देते हैं, ऐसे इस दिन बाजार हमारी गुरुवार को लगती है और आप जैसा चाहें वैसा आ करके देख सकते हैं। तो मेरे कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि आप जो है का ट्रैक्टर अगर मंडी में देख करके, ऐसा जॉन डियर है जी, और अर्जुन भी है, सोनालिका भी है, स्वराज भी है, आयसर भी है, क्या हमारे बार फोटो खींच करके बार सब कर देना, तो हम कर भी देते हैं अगर हमें टाइम मिलता है तो। अच्छा, अच्छा, और नहीं मिलता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप मंडी आकर के ही देखिए, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत मंडी में खड़े हुए हैं, इसीलिए कहाँ तक हम बार सब कर पाएंगे। जैसे हम आज आपके चैनल के माध्यम, हमारा चैनल है यूट्यूब पर टेक्निकल तेजस्वी किसान जी, इस माध्यम से भी लोग हमारे देख सकते हैं, तो आप उन किसान भाइयों से क्या कहेंगे कि वो क्या देखें? मतलब यहाँ जैसा फ़ोन करके कहते हैं ना लोग, जैसा कि हमने वो टॉप पर देखा था अभी, आपके यहाँ मंडी लगती है कैसी लगती है, हाँ। तो उन लोगों को हम समझाते हैं कि आप आकर के देखिए। अच्छा, अच्छा अच्छा, और उनके लिए सारी रास्ता बताते हैं सीधी सीधी। तो मेरे किसान भाइयों, आज आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टरों की मंडी जो दहगामा सहसवान में लगती है, जिला लगता है बदायूं, बहुत ही बढ़िया ये ट्रैक्टरों की मंडी लगती है। आज हम आपको मिला रहे हैं जो मंडी का संचालन करते हैं वीरेंद्र शर्मा जी से, तो बहुत ही बढ़िया ये मंडी लगती है। सभी किसान भाइयों का इस मंडी में स्वागत है, वो आइए, बहुत ही शानदार ये बृहस्पतिवार को मंडी लगती है। तो सभी का धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।